चुनावी प्रचार को स्थगित कर राहुवास प्रकरण में देर रात लालसोट पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। चंद्रशेखर ने कहा, चुनावी प्रचार से कहीं बढ़कर है पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना। गहलोत सरकार के साथ साथ इस प्रकरण के जांच अधिकारियों को भी चंद्रशेखर ने दी है बड़ी चेतावनी। कहा है कि अगर न्याय की प्रक्रिया में छेड़छाड़ या न्याय को बाधित किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार में 7 गारंटी देने वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार के राजस्थान प्रदेश में दौसा जिले के राहुवास थाने के सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की दलित नाबालिग से किया है दुष्कर्म। बच्ची की हालत अभी गंभीर। घटना से समाज में आक्रोश व्याप्त है और कल देर रात चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से की है मुलाकात और शासन प्रशासन को दी है बड़ी चेतावनी। हट जाओ आगे, हट जाओ। जो आएंगे मिलके चले जाएंगे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता था मुख्यमंत्री आए यहाँ और माफी मांगे, उसके पैर में पड़ के माफी मांगे कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी, हम लोग नहीं दे पाए बच्ची को सुरक्षा का माहौल। यहाँ मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को इनको सदन में भी ना घुसने दूं। और मैं तो आपसे भी कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि ये आगे ना एक दिन में ठंडी मत करो, इसको लगाओ अपने यहाँ अगर तुम्हें स्वाभिमान है। और जो संरक्षण कर रहे हैं उनका गुंडों का, उनको इस हैसियत में मत छोड़ो कि वो जाके जयपुर में बैठ सके, उनको इस हालात में लेके आओ। समझ रहे हो, ये झेलना पड़ेगा। अगर आज हम इसके दर्द पे चुप हो गए तो कल किसी और बच्ची के साथ होगा, कल किसी और बहन माँ के साथ होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग। मैं भी चैन से दिल्ली चला जाता या मैं भी जाके प्रचार कर लेता, लेकिन कैसे आंख मिलाऊंगा इससे, कैसे जवाब दूंगा कि जो जिम्मेदारी उठाई है उसको, उससे कैसे जवाब दूंगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, राजनीति तमाम तरह चीजों से बड़ा है, दर्द तकलीफ, और आज उसे हमारी जरूरत। हमारे लोग इन पे भरोसा करते नहीं, हमारी खाल उतारते हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो उसको न्याय मिले? क्या आप चाहते हो कि वो बच्ची जो है और किसी और बच्ची के साथ ना, और वो बच्ची भी उसको भी एहसास हो कि उसका उसके अपराधी को सजा मिली? और मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ मीडिया के लोग भी होंगे, किसी मंत्री का किसी अधिकारी का अगर दिमाग खराब हो गया हो ना कि उसको बचा लेंगे या छेड़खानी कर देंगे मेडिकल रिपोर्ट में या FIR में, तो वो इलाज किया जाएगा कि 7 पुस्तें याद रखेंगे। इतने कमजोर मत समझना किसी की मत पे, ऐसी कोई गलती कर मत बैठना। अधिकारी कर्मचारी या सरकार के लोग कभी ये सोच लें कि ये कमजोर लोग हैं, कमजोर नहीं है, हमारा परिवार है, एक एक खून की बूंद हम लुटा देंगे लेकिन स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं, उनके दिमाग में गलत फहमी ना रहे, जिस बात का डर है उसको। ये राजस्थान में चलेगा नहीं। अब ये जो गुंडा राज चल रहा है ना, ये जो माफिया राज, आतंक का राज चल रहा है, ये लूट कसोट चल रही है, और ये जो बहन बेटियों की तरफ ये जो अन्याय हो रहा है, ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। लेकिन मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को कहूंगा, ईमानदार से काम करें, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष के हिसाब से न्याय में छेड़खानी करेंगे तो कोई थाना और कोई अधिकारी चैन से नहीं बैठेगा अपने दफ्तर में। सारे काम छोड़ के इनके दफ्तर को ताला लगा के ये रोड बंद करके बैठ जाएंगे राजस्थान में। यहाँ वो रोके मुझसे पूछ रही है कि बताओ मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूं, मैं बताऊ क्या जवाब दूं उसको। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जागो, आज इस घर तक आ गई है, कल किसी और घर तक आएगी।